हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर और इस नए ब्लॉग में। ये नया ब्लॉग छठ पूजा स्पेशल ब्लॉग है जिसमें हम छठ पूजा के विधि विधान और सारी चीज़ों से रूबरू करवाएंगे आपको। फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं छठ घाट पर, यानी छठ घाट यानी तालाब के किनारे, जहाँ पर मेरे भाई साहब छठ मृतिका का निर्माण कर रहे हैं। यानी ये मेरे भाई साहब हैं और मिट्टी से छठ माता छठ की मूर्ति बनाने जा रहे हैं। ये एक ऐसी मूर्ति होती है जो टेम्प्रेरी होती है, यानी हर साल लगभग बनाया जाता है। बहुत सारे लोग इसको परमानेंट भी बना के रखते हैं, बहुत सारे लोग टेम्प्रेरी बना के रखते हैं, जैसा कि हम लोग बना रहे हैं। मिट्टी की मदद से इस मूर्ति को बनाया जा रहा है और यहीं पर शाम को हमारे घर की महिलाएँ आकर पूजा करेंगे। तो फिलहाल ये छठ मृतिका बन चुकी है, जहाँ पर शाम को पूजा किया जाएगा हमारे घर की महिलाओं के द्वारा, जो कि व्रत हैं, और बाकी सारे लोगों के द्वारा ये छठ मृतिका बनाई गई। यहाँ पे दो तीन गांव के लोग आके पूजा करते हैं, बच्चे भी एक्साइटेड हैं और ये सुबह से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। शाम की पूजा का इन्हें भी इंतज़ार है जैसा कि हमें है। अभी हम लोग पूजा से संबंधित कुछ सामग्री लेने के लिए एक छोटे से मार्केट आ गए हैं। कुछ सामान छूटा हुआ था जिसको खरीदना ज़रूरी था, इसलिए हम लोग मार्केट आ गए हैं उस सामान लेने के लिए। हालांकि इसके अलावा एक बड़ा सा मार्केट है जहाँ पे लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ है पूजा सामग्री खरीदने के लिए। वहाँ अभी हम लोग नहीं गए क्योंकि थोड़ा सा ही सामान चाहिए था, तो यहीं से लेके वापस चले जाएंगे। गन्ना भी छठ पूजा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और गन्ना के बिना ये पूजा संभव नहीं, इसलिए लोग गन्ना खरीद रहे हैं और बेच भी रहे हैं। अभी हम लोग आ गए हैं घर और ये सारा पूजा सामग्री है जिसको धुला जा रहा है पानी में। और इस सबसे खास बात है कि इस पूजा में जितने भी फल होते हैं, सब्जियां होते हैं, जो इजली उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड रीजन में अवेलेबल होते हैं, चाहे वो कद्दू हो, मूली हो, नींबू हो, सिंघाड़ा हो, एप्पल हो, सारी चीज़ों को इस पूजा में प्रयोग किया जाता है। यानी कहा जाता है कि जो सूर्य भगवान की कृपा से सारी चीज़ें मिल रही हैं सबको इस पूजा में हम लोग प्रयोग करेंगे, यानी जो सब्जियां और फल होते हैं। छठ पूजा का एक अहम हिस्सा है ये गन्ना। तो हम लोग गन्ना लेने आए थे खेत में, ये पीछे छोटा सा खेत है, अब गन्ना लेकर हम लोग घर जा रहे हैं। पीछे मेरा भांजा है। चूँकि छठ पूजा का आयोजन हर गाँव के बाहर के तालाब, नदी, पोखरे पे किया जाता है, इसलिए हम लोग अब सारी तैयारियों के साथ तालाब की तरफ निकल चुके हैं और बच्चे भी जा रहे हैं साथ में। छठ पूजा का आयोजन होता ही इतना इंटरेस्टिंग है। सामने मेरी बुआ जी हैं जो कि पारंपरिक गीत गा रही हैं, तो चलिए इनके गीत को सुनते हैं। गाओ कतार का ना होवे पिया बहिंगा घाटे चौपाई मुंह फूलल बने बाबू ठीक बा अच्छा लगत चलो 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 हो राजा जी चलो तो इस तरह हम लोग छठ पूजा स्थल की तरफ बढ़ने लगे हैं। मैं हूँ, कुछ बच्चे हैं और पीछे मेरी दीदी जी हैं, बुआ जी हैं, वो लोग गीत गाते हुए आ रही हैं। और मेरे सर पे ये दौरी है जिसमें पूजा सामग्री रखी हुई है, इसमें फल मूल तेल दिया सब कुछ रखा हुआ है। और उन लोग के हाथ में एक लोटा है जिसमें पानी और कुछ दूसरी चीज़ें हैं और ये लोग गीत गाते हुए आ रहे हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं छठ पूजा स्थल पर और आपको सामने बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे होंगे जो कि पूजा स्थल पर अभी भी आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी रास्ते में हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पहुंच चुके हैं, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। इस भीड़ में बहुत सारी महिलाएं हैं जो छठ व्रत हैं, जो पूजा कर रही हैं, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, और ये सभी लोग इस छठ पूजा स्थल पर आते हैं, इसमें भाग लेते हैं और ख़ुद को बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते हैं। इसीलिए इस पूजा का एक अलग क्रेज़ है और इसका रोमांच है, जिसकी वजह से बाहर काम करने वाले बहुत सारे लोग दीपावली में भले अपने घर ना आए लेकिन छठ पूजा में अवश्य घर आते हैं। अभी सूर्यास्त का समय होने वाला है, पूजा अपने जोर शोर पे है और ये पूजा तब तक चलेगी जब तक कि सूर्यास्त होना जाए, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। छठ पूजा स्थल पर सभी बड़े उत्साह में होते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े हों या नौजवान हों, सबको कुछ एक अलग खुशी मिलती है। यहाँ पर हमारी माताएं बहनें छठ पूजा स्थल के चारों तरफ बैठ के पारंपरिक गीत गा रही हैं और माता जी से अपनी विनय विनती कामना जो कि जो भी उनके मन की इच्छाएं हैं उनको पूर्ति कराने के लिए माँ से दुआ कर रही हैं, उनसे कामना कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं और सभी सूर्यास्त का इंतज़ार भी कर रही हैं। जब सूर्यास्त होगा तो सूर्य जी को अर्घ दे के फिर वापस घर जाएंगे, फिर अगले दिन सुबह फिर से वापस सभी लोग यहाँ पे आएंगे। ये चारों तरफ का भीड़ है जो भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद अब ये लोग धीरे धीरे यहाँ से निकलना शुरू करेंगे, अपने घर वापस जाना शुरू करेंगे।
और ये रहा मैं जो जगह जगह से वीडियोस बना के आपको छठ पूजा से अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूँ और छठ पूजा में चल रही चीज़ों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी ये एक छठ पूजा स्थल के बगल में बने एक बाबा जी का स्थान है जहाँ पे सभी लोग दिए भी चलाते हैं। ये जगह काफ़ी खूबसूरत लग रहा है तो इसको भी ब्लॉग में शामिल करना तो बनता है। शाम के सूर्यास्त के बाद हम लोग छठ पूजा स्थल से अपने घर आ गए हैं और हमारे यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है छठ पूजा में। जब हमारे यहाँ किसी बच्चे का मुंडन कराना होता है तो छठ पूजा के दिन ही उसका मुंडन कराया जाता है और उसको बोला जाता है कोशी, जो हमारे लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। तो आज हमारे यहाँ कोशी का पूजा है, मेरी बड़ी भतीजी का मुंडन भी होगा आज, तो इसीलिए सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। मेरी बहन है, मेरी माता जी हैं, इस कोशी पूजा की तैयारी कर रही हैं। तो कैसा होता है कोशी पूजा, चलिए आपको दिखाते हैं, आपको अच्छा लग सकता है। तो इस कोशी पूजा में हमारी भतीजी का मुंडन शुरू हो गया है, उसके बाल काटे जा रहे हैं और बाल काट के मेरे दीदी के आंचल में उसके बाल को रखा जा रहा है, जो कि हमारे यहाँ की प्रथा है। और इस प्रथा में जो भी जिस भी बच्चे का मुंडन किया जाता है उसके बाल को काट के उसकी बुआ के आंचल में रखा जाता है और उस आंचल में बाल के साथ साथ उसके मम्मी पापा, उसके दादी दादा, उसके चाचा चाची, जो भी उसके घर के लोग होते हैं, कुछ रुपये डालते हैं बुआ के आंचल में। तो वही प्रथा हमारे यहाँ भी प्रयोग किया जा रहा है। हमारी भाभी जी बाल के साथ कुछ पैसे दे रही हैं हमारी दीदी को और इसके बाद मेरे भाई साहब भी देंगे, मैं भी दूंगा, मेरे मम्मी पापा भी देंगे। ये चूंकि हमारे यहाँ प्रथा है तो आज जो है हम लोग के साइड से आउटगोइंग है और हमारी बहनों के आंचल में इनकमिंग है पैसों की। तो इस तरह से ये हम लोग प्रथा निभा रहे हैं, मुंडन का कार्य चल रहा है। हो सकता है कि आप लोग को इंटरेस्टिंग लग सकता है, जैसा भी हो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको ये प्रथा नहीं पता है तो इंटरेस्टिंग होगा, अगर आपको पता है तो थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग हो सकता है आपके लिए। देखिए मैं भी दे रहा हूँ अपनी बहन के आंचल में कुछ पैसे दे रहा हूँ, चूँकि ये मेरा फ़र्ज है देना। ये छठ पूजा की दूसरी सुबह है, सुबह के 4 बज रहे हैं, हम लोग तालाब के किनारे पहुंच चुके हैं, यानी जहाँ पे अभी आप शाम को सूर्यास्त देखे थे और सूर्यास्त का अर्घ्य आपने देखा था, उसी जगह पे हम लोग सुबह सुबह पहुंच चुके हैं। क्योंकि ये नियम होता है सुबह 4 बजे यानी सूर्योदय के पहले यहाँ पहुँचना नियम होता है। चूँकि मेरे यहाँ कोशी का कार्यक्रम था तो जिनके यहाँ कोशी का कार्यक्रम होता है वो थोड़े और अर्ली मॉर्निंग यहाँ पहुँचते हैं। सुबह का नज़ारा है, चारों तरफ लाइट चल रही हैं, चारों तरफ पूजा पाठ हो रहा है और ढोल ताशे वाले लगे हैं ढोल बजाने। अब बस सूर्योदय होने ही वाला है, सभी महिलाएं अपने पूजा सामग्री के साथ साथ भगवान सूरज को अर्घ्य देने के लिए तैयार हो चुकी हैं, बस सूर्योदय का इंतजार हो रहा है। जैसे ही सूर्योदय होगा भगवान सूर्य की पहली लालिमा दिखेगी, सभी महिलाएं तालाब में खड़े होकर पूरब की दिशा में मुंह करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देना शुरू करेंगी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इस छठ पूजा का। यहाँ पर मैं और मेरे भाई साहब, हम दोनों लोग यहाँ छठ पूजा स्थल पर पहुँचे हैं, हालांकि मेरे परिवार के सभी लोग पहुँचे हैं लेकिन फिलहाल अभी हम दोनों दिख रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग पूरब दिशा में मुँह करके पानी में खड़े होकर भगवान सूरज के उदय होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही भगवान सूरज का उदय होगा सभी लोगों को अर्घ दिलाया जाएगा दूध के साथ। कैसे होता है मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। फिलहाल भगवान जी सामने दिख गए हैं, सूर्योदय होना शुरू हो गया है, अब अर्घ्य का कार्य चालू होगा। जैसे देखिए मेरे भाई साहब एक लोटे में दूध लेके भाभी जी को अर्घ्य दिला रहे हैं। ये एक प्रोसेस होता है, एक सूप होता है, सूप में सारी सामग्री रखी होती है और उसके ऊपर दूध डाला जाता है और भगवान सूरज को नमस्कार किया जाता है और ये सारी सामग्री देने के लिए भगवान सूरज को धन्यवाद भी दिया जाता है। ये होता है छठ पूजा का मायने, छठ पूजा का मतलब, जिसमें
हमें जो भी प्रकृति के द्वारा मिली है उसका हम धन्यवाद करते हैं इस पूजा के माध्यम से। तो इस पूजा का जो स्वरूप है बहुत ही वैज्ञानिक है, बहुत ही तार्किक है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इस सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे ऐसी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। फिलहाल अभी छठ पूजा को ही कंटिन्यू रखते हैं। भगवान सूरज को अर्घ्य देने के बाद सभी लोग अपने पूजा सामग्री से थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे आके रख जाते हैं, जो कि हमारे क्षेत्र के ब्राह्मण के लिए होता है। ये पुरातन समय से चलता आ रहा है, जब से ये पूजा हो रही है तब से। तो इस तरह छठ पूजा का समापन हो चुका है और हम सभी लोग फोटोज़ और वीडियोज़ के माध्यम से अपने परिवार के लोगों के साथ यादों को समेटने का प्रयास कर रहे हैं, इन यादों को सजो के रखने का प्रयास कर रहे हैं। और छठ पूजा के समापन के बाद घर की महिलाएं अपने बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं, जो कि इस पूजा के परंपरा में शामिल है। लड़के भी अपने बुजुर्गों का पैर छूकर, अपने से ज्येष्ठ लोगों का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। टीके लगाए जाते हैं, जैसा कि अभी लगाया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग प्रसाद खाते हैं, एक दूसरे के साथ प्रसाद वितरण करते हैं। उसके बाद जो भी सामग्री बचती है उसको लेके अपने घर की तरफ निकल जाते हैं, जैसा कि अभी हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ से ये पूजा समाप्त हो चुकी है, घर जाके अब हमें बस पूजा प्रसाद एक दूसरे के यहाँ वितरण करना है, बांटना है। अगर आप अभी तक इस वीडियो पे बने रहे हैं और इस वीडियो का आनंद लिया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आपको कैसा लगा ये पूजा ज़रूर कमेंट करके बताएं। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। बाय।